राम राम किसान भाइयों, मैं घनश्याम पटेल आशा संस्था और डिजिटल ग्रीन के माध्यम से मैं आपको आज राजपुर तहसील की ग्राम पंचायत नादेड़ में लेकर के आया हूं, जहां पर कि मेड़ बंधान का बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया गया है। और आज हम आपको बताएंगे कि क्या मेड़ बंधान कार्यों से किस प्रकार लाभ ले सकते हैं और उनके क्या क्या फायदे हैं। तो हम जानते हैं श्री चौबे जी से कि मेड़ बंधान कार्यों से क्या क्या फायदे हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, राम राम, नमस्कार। मैं जयप्रकाश चौबे, पंचायत समन्वय अधिकारी, जनपद पंचायत राजपुर क्षेत्र के अंतर्गत अपनी ग्राम प्रभार की ग्राम पंचायत नांदेड़ में अभी हूँ। और यहाँ पर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मेड़ बंधान का काम कृषकों द्वारा किया जा रहा है। मेरे साथ ग्राम के सरपंच प्रतिनिधि श्री प्रताप सिंह सोलंकी और सचिव प्यार सिंह बामने यहाँ पर मेड़ बंधान का निरीक्षण कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि मेड़ बंधान क्यों जो है आवश्यक है और मेड़ बंधान के क्या फायदे हैं। आदिकाल से हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारी 80% जनता कृषि पर निर्भर है और कृषकों पर निर्भर है। किसान हमारे देश का अन्नदाता है। हमारे खेतों में जब बारिश के दौरान, वर्षा के दौरान पानी गिरता है तो इन खेतों की उपजाऊ मिट्टी प्रायः बह जाती है। मध्य शासन चाहता है कि खेत की माटी खेत में रहे, खेत का जल खेत में रहे और ये उपजाऊ माटी खेतों से बहे नहीं। इसलिए NRGS के अंतर्गत, यानी कि जो है रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत खेतों में पाला बंधान को विशेष रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। हमारे नांदेड़ पंचायत के कई खेत हैं जहां पर मेड़ बंधान का कार्य चल रहा है। मेड़ बंधान में पत्थरों की मेड़ बनाई जाती है ताकि वर्षा काल में पानी के साथ उपजाऊ मिट्टी ना बहे और हमारे खेत की माटी खेत में रहे। वैसे तो रोजगार गारंटी योजना में अनेक कार्य हैं, किंतु वर्तमान में शासन द्वारा खेतों के में जो उपजाऊ माटी है उसकी संभाल के लिए जो है ना ये प्रोजेक्ट लागू किया गया है। और इसमें हमारे खेतों के कृषक तो काम कर ही रहे हैं, साथ ही इस योजना में मजदूर वर्ग को भी मजदूरी का लाभ मिल रहा है। सरपंच सचिव द्वारा निरंतर जो है कार्य में निरीक्षण किया जाता है, मेरे द्वारा भी इन कार्यों का निरीक्षण किया जा रहा है। और जो है शासन की मंशा के अनुरूप हमारे क्षेत्र में हमारे खेत की माटी खेत में रहे, जल जो है खेत का जल बहकर बाहर नहीं जाए। जब हम मेड़ बंधान में देखते हैं कि जब मिट्टी बहकर के पत्थरों के बीच चिपक जाती है तो उससे पानी भी रुकता है। तो जो शासन की मंशा है कि खेत का पानी खेत में और खेत की माटी खेत में, मेड़ बंधान का काम केवल हम पंचायतों पर ही निर्भर रहें ऐसा जरूरी नहीं है। हम चाहें तो निकटस्थ संस्था आशा के माध्यम से भी तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। पंचायत तो अपनी जगह है ही, लेकिन आशा संस्था भी जो है ना ओझर में उसका मुख्यालय है और वो निरंतर ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में आशा संस्था से भी आप संपर्क कर सकते हैं। और जहां तक अगर किसान बड़े कृषक हैं और अगर वो चाहते हैं कि उनके खेत में पत्थर अधिक मात्रा में हैं तो वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिल करके उन पत्थरों को चुन करके अपने खेत के आसपास भी मेड़ बंधान का काम संपादित कर सकते हैं। इससे द्विगुणित वृद्धि होगी उपजाऊ भूमि में। किसान भाइयों से मेरा पुनः मैं निवेदन कर रहा हूं कि वे अपनी निजी भूमि को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए, अपने आने वाली भावी पीढ़ी के लिए अधिक से अधिक मेड़ बंधान का काम करवाए ताकि ये जो उपजाऊ हमारी मिट्टी है ये बह करके और जो है पानी के साथ अपशिष्ट
के रूप में न जाए, हमारे खेतों में बनी रहे, ताकि ये वसुंधरा में फसल जो है लहराती रहे। यही मेरा निवेदन है आप सभी से।